नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विथ आरएनडी। दोस्तों आज मैं पेश करने जा रहा हूँ पम्पकिन फ्रिटर्स की रेसिपी, जिसे कद्दू की मीठी पूरिया या मराठी में भोपड़ा से घारगे कहते हैं। तो देखते हैं हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ कद्दू, जिसको मैंने कद्दूकस करके लिया हुआ है। इसके अलावा मैंने लिया है 250 ग्राम गुड़, 3 टेबलस्पून घी, 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप चावल का आटा, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने तिल लिया हुआ है, और इसके अलावा मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया हुआ है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉनस्टिक फ्राई पैन लेंगे और गैस को मीडियम से हाई फ्लेम पर रखेंगे। फिर हम उसमें 3 टेबलस्पून घी डाल देंगे, और जैसे ही घी गर्म होता है हम उसमें कद्दूकस किया हुआ कद्दू डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। फिर हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, जिससे कद्दू में पानी छूटना शुरू हो जाएगा और हम अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हम गुड़ ऐड करेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। दोस्तों गुड़ को मेल्ट होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तो पेशेंस रखिए। जबकि मैंने गैस को हाई फ्लेम पर रखा है, इसलिए हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना होगा। गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। अब हम 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर और 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर डालेंगे, और लगभग 10 मिनट तक लेड को क्लोज करके कद्दू को पकने देंगे। हमें बीच बीच में चलाते रहना है। पैन को लेड से कवर कर दे और एक 5 मिनट के लिए कद्दू को पकने दे। तो लगभग 15 मिनट तक हमें कद्दू को इसी तरह पकने देना है। गैस को हम लो फ्लेम पर रखेंगे। और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा कद्दू का मिक्सचर अब अच्छे से पक चुका है। दोस्तों अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को एक थाली में उतार लेंगे और उसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है। अब हम मिक्सचर में 1 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप चावल का आटा डालकर आटा गूंथ लेंगे। दोस्तों इस मिक्सचर में ऑलरेडी हमें रिक्वायर्ड मॉइस्चर मौजूद है, इसलिए हम एडिशनल पानी आटा गूंदने के लिए यूज नहीं करेंगे। हम 1/2 टीस्पून घी अपने हाथों पर लगा लेंगे, जिससे हम आटे को अच्छे तरह गूंद सके। हमने अब आटा गूंद लिया है। अब हम आटे को 15 मिनट तक सेट होने के लिए अलग से रख देंगे। दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जिसके हम पूरियां तलने वाले हैं। मैंने जितनी क्वांटिटी ली हुई थी उससे हम 22 से 25 पेड़े यानी कि पूरियां बना सकेंगे। अगर आप छोटी पूरियां बनाना चाहते हैं तो आप छोटे पेड़े बनाइए, तो
आप ज़्यादा पूरियाँ बना सकेंगे। अब मैंने नॉनस्टिक फ्राई पैन में तेल गरम करने के लिए हाई फ्लेम पर रख दिया है और हम साइड में पूरियाँ बना लेंगे। हम हर एक पूरी बनने के बाद उसके ऊपर जो हमने तिल लिया हुआ था वो हाथों से डालकर उसे अच्छे से प्रेस करेंगे और पूरी को साइड में रख देंगे। हमारा तेल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। दोस्तों, तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम तेल में हमने जो पूरियाँ बना ली है उसे धीरे धीरे रिलीज करेंगे। हम गैस को मीडियम से लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि हमारी पूरियाँ जले नहीं। जैसे ही पूरियाँ तल के हो जाती है, हम पूरियों को एक प्लेट पर जिसमें मैंने पेपर नैपकिन बिछो के रखा है हम उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिसके कारण पूरियों का एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमारे पम्पकिन फ्रिटर्स यानी कि कद्दू की मीठी पूरियां, जिसे मराठी में भोपड़ा से घारगे कहते हैं, रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।